नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वागीश और आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज और इस वक्त खबर है इंडियन आइडल से। तो चलिए सीधे चलते हैं टेलीविजन दुनिया की ओर। टेलीविजन शो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब झांकी जमाए हुए हैं। एक तरफ सोनी के शो KBC और इंडियन आइडल चर्चाओं में चल रहा है, तो दूसरी तरफ कलर्स का शो बिग बॉस भी सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है। पर इस वक्त खबर है इंडियन आइडल से। इंडियन आइडल पर जजेस तो आग लगा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही इंडियन आइडल के मंच पर कुछ ऐसे कंटेस्टेंट आ रहे हैं जिनकी कहानी सुन जजेस भी भावुक हो जाते हैं, रो भी देते हैं। लेकिन एक कंटेस्टेंट ऐसा आया जिनकी आवाज सुन विशाल ददलानी रो पड़े और रोते हुए उस कंटेस्टेंट के पैर छू लिए, और वो कंटेस्टेंट है सनी। इस हफ्ते ग्रैंड प्रीमियर में होगा म्यूजिक का जश्न, जिसमें सनी गाएंगे ये जो हल्का हल्का सुरूर है, और उनकी आवाज सुनकर सभी जजेस और वहां आए सेलिब्रिटी गेस्ट भी भावुक हो जाएंगे। जहां एक और जजेस भावुक होंगे, वहीं दूसरी ओर विशाल ददलानी और नेहा कक्कर की आंखों में सनी को सुन आंसू आ जाते हैं। विशाल ददलानी सनी से रोते हुए कहते हैं, नुसरत साहब की परछाई में बैठना भी बहुत बड़ी बड़ी बात है। और फिर विशाल सनी के पैर छू लेते हैं और उन्हें तोहफे के तौर पर कुछ रुपए देते हैं। इस हफ्ते ग्रैंड प्रीमियर में सेलिब्रिटी गेस्ट सिंगर हंसराज हंस और दिव्या कुमार भी होंगे। सनी की आवाज सुन हंसराज हंस भी भावुक हो जाते हैं और उन्हें तोहफे के तौर पर कुछ रुपए देते हैं। बता दें, सनी एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। सनी की कहानी भी बेहद दर्द भरी है। सनी का संबंध बेहद ही गरीब परिवार से है। बूट पॉलिश कर परिवार का गुजारा करने वाला युवक सनी अपनी काबिलियत के दम पर शोहरत की सीढ़ियां चढ़ने लगा है। कुछ दिन पहले तक जहां सनी लोगों के बूट पॉलिश कर आजीविका चला रहा था, तो वहीं सोनी टीवी के रियलिटी सिंगिंग शो इंडियन आइडल ने किस्मत बदल दी है सनी की। सनी पंजाब के भटिंडा में अमरपुरा बस्ती की गली नंबर 1 में रहता है। सनी की आवाज का जादू जज संगीतकार अनु मलिक, विशाल ददलानी व गायिका नेहा कक्कड़ के सर चढ़कर बोल रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर भी सनी छाया हुआ है। लेकिन अब जजेस और सेलिब्रिटी के बाद बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा भी इमोशनल हो गए। उन्होंने लिखा, दिवाली एक परफेक्ट मौका है उनसे सीखने का जो आगे बढ़ते हैं। एक दोस्त ने मुझे ये वीडियो भेजा और कहा कि ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। यूट्यूब पर इसकी पूरी क्लिप ढूंढिए और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपकी आंखें सूखी नहीं रह पाएगी। ऐसे टैलेंट को खोजकर टीवी और सोशल मीडिया ने अच्छा काम किया है। आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट को इंडियन आइडल 11 के जज विशाल ददलानी ने रीट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, आनंद महिंद्रा सर, मुझे बेहद खुशी है कि आपने सनी को नोटिस किया। आने वाला एपिसोड भी जरूर देखें। इंडियन आइडल 11 में सभी कंटेस्टेंट के पास वो काबिलियत है कि जो देश के हर कोने में बच्चों को प्रेरणा दे सकती है। हम सभी को खुशी होगी अगर आप सेट पर आए और कंटेस्टेंट से बातें करें। बता दें, सनी अपनी जगह टॉप 15 में बना चुके हैं। नुसरत साहब की आवाज में उन्होंने अपनी आवाज और शब्द को पिरोने की कोशिश की है और अपनी इसी आवाज से सनी के देश भर में कई फैन हो गए हैं। अब देखते हैं, जब सनी अपनी मंजिल तक पहुंचने आए हैं, तो क्या सनी अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं? इसके लिए आपको देखना होगा सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।